आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नगर निगम ने शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर उठाया है। वहीं नगर निगम इन टेंडर में शहर की उन सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने के लिए शामिल किया है जो एकदम से सही है। इसका सपा के नेता राहुल चतुर्वेदी ने निगम को आड़े हाथों लिया है। नगर निगम ने शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर उठाया है। वहीं नगर निगम इन टेंडर में शहर की उन सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने के लिए शामिल किया गया है जो एकदम सही हैं। इसका सपा से पूर्व महापौर राहुल चतुर्वेदी ने निगम को आड़े हाथों लिया है। राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अगर नगर निगम ने इन टेंडरों में नगर की उन सड़कों को शामिल नहीं किया जहां मरम्मत के कार्य होने हैं तो सपा सड़कों पर उतर कर आंदोलन को बाध्य होगी। आखिर मुख्यमंत्री जी की पहली योजना थी गड्ढा मुक्त सड़कों की, जो गड्ढा युक्त सड़कों में बदल गई। अब मैं कहना चाहूँगा कि गुपचुप तरीके से जो 42 सड़कों मरम्मत का हॉटमिक्स प्लांट द्वारा 2.5 करोड़ का जो निविदा निकाली गई गुपचुप तरीके से हॉटमिक्स प्लांट द्वारा कराने की, उसमें तमाम मैंने पूरे टेंडर को बड़े क्लोज से पढ़ा, बड़ी बारीकी से पढ़ा। उसमें देखा मैंने तमाम सड़कें ऐसी हैं जिनके 2-2 बार टेंडर दे दिए गए हैं। जो इतनी ज़रूरतमंद सड़कें अभी आगरा में इतनी पड़ी हैं उनको क्यों शामिल नहीं किया गया? मेरी ये प्रमुख मांगों के संग मैं अपनी वेदना अपनी बात आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूं और इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक आंदोलन की भूमिका भी तय करूंगा आगरा में कि नगर निगम ने ऐसी सड़कों को आखिर क्यों नहीं लिया जहां अत्यंत आवश्यकता थी, जहां पर अत्यंत चोटिल हो सकते थे, जहां लोग उपचार के लिए चले जाते हैं। यहां पर तमाम लोग ऐसे हैं जो सीवर लाइन की मैंने भी आपको दिखाया है, यहां पर सड़कों गड्ढों में जो एक सीवर लाइन से उछलकर दूसरी सीवर लाइन पास में ही बिल्कुल 1 फुट का अंतर नहीं है और वहां साइकिल गिर जाती है, स्कूटर गिर जाता है तो वो जोखिम हो जाता है। नगर निगम ने नगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जो टेंडर निकाले हैं उनमें लोहा मंडी खतैना मार्ग को छोड़ दिया है। ये मार्ग लोहा मंडी को प्रताप नगर से जोड़ता है। वहीं इस मार्ग के आसपास कई कॉलोनियां बसी हुई हैं। पारस पर्ल्स अपार्टमेंट सोसाइटी कई बार नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत पत्र के माध्यम से इस मार्ग की दुर्दशा की जानकारी दे चुकी है लेकिन अभी तक नगर निगम ने इस मार्ग की सुध नहीं ली है। कई बार अपील कर चुके हैं, कई बार आप लोगों के द्वारा भी जो इस चीज़ को बताया गया है कि इतनी ज़्यादा सड़कें गड्ढे हैं कि कभी भी जो रोड पे चलना खास तौर से स्कूटर वालों का बड़ा दुखदायी हो जाता है, कई बार स्लिप भी हो जाते हैं। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि इस काम को जितनी जल्दी किया जाए उतनी जल्दी करें जिससे कि आगे परेशानी ना हो। प्रशासन दोबारा मैं विनती करता हूं कि इस काम को जल्दी जल्दी कराया जाए। हम लोग सब अच्छी सोसाइटी के लोग रहते हैं लेकिन बाहर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ किसी ढोलीकार मंटोला ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ न सड़कें हैं और गड्ढे गड्ढे हैं, ऐसा यहाँ हाल बना रखा है। कृपया ध्यान देने की कोशिश। शिव वाला मंदिर है उसके पास भी बहुत बड़ा एरिया है जो कि पूरी सड़क से और बहुत लंबे समय से खुदा पड़ा हुआ है, तो बारिश में बहुत पानी उछटता है लोगों पर और लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसलिए उसको भी सही कराने का कार्य किया जाए। ठीक है, पूरे खतौना रोड पे जो स्थिति है गड्ढे गड्ढे की, वो हमने अपनी सोसाइटी का मलबा लाके यहाँ डाला जिससे बहुत बार एक्सीडेंट हुए, यहाँ पर लोग चोटिल हुए, उनके घर पहुँचाया, तो नगर निगम पता नहीं कहाँ सो रहा है। इसी तरह अगर रहेगा तो फिर और टैक्स हमसे पूरा पूरा लेता है, काम कुछ करता नहीं है। तो ये तुरंत सही कराया जाए और आज आखिरी तारीख निगम के टेंडर के हिसाब से आखिरी तारीख है, फिर भी आज तारीख तक शुरुआत ही नहीं हुई, आखिरी तारीख तो खत्म पहले ही हो गई। खतैना लोहा मंडी मार्ग पर सालों से जगह जगह गड्ढे हैं, इनमें गिरकर राहगीर वाहन चालक चोटिल हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि नगर निगम कब तक इस रोड की तरफ ध्यान देता है। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।